नाम लेख न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। हरिद्वार में कांवड़ मेला पुलिस के लिए चुनौती भरा था। कांवड़ मेले में लगभग 3,80,00,000 शिव भक्त आए। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या के बीच उत्तराखंड पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पदाधिकारी गणों ने धूप गर्मी बरसात के बीच ड्यूटी पर तैनात रहकर कांवड़ मेले का समापन कराया। आज शिवरात्रि में जलाभिषेक के बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ मेला समापन समारोह मनाया गया, जिसमें प्रदेश के जिलों से आए पुलिस कर्मियों व पैरामिलिट्री फोर्स के पदाधिकारियों जवानों को सम्मानित किया गया व कांवड़ मेला को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया। हमारे द्वितीय कमांडर 40वीं पीसी वाहिनी के कमांडर साहब मौजूद हैं। मैं सबसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी को पुरस्कार प्रदान करने का कष्ट करें। कमांडर साहब, सुपर जूनियर के पैरामिलिट्री की ऑफिसर मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मेरा सब कुछ संपन्न हो गया है। सारे पुलिस के जवान और कर्मचारी सभी अंगों ने मिलजुल कर इसमें काम किया। लोगों ने पूरा सहयोग किया, सारे और मिलजुल के हमने एक बड़ी चुनौती को मारा। सर इस तरह थोड़ा ना अनुभव चीज़ें लोगों आप पहले से जानते हैं तो आपको उसका फायदा मिलता है। और हरिद्वार में ही मेरी अगर देखा जाए तो कई मैं फिल्म यहाँ पर अलग अलग जिलों में रह चुका हूँ। आपकी टीम में कई अधिकारी कितने लोग आए कांवड़िए? यहाँ पर करीब 3,80,00,000 के आसपास कांवड़िए यहाँ पर नजर आए हैं और सब लोगों ने मिलजुल कर 3,85,00,000 की संख्या में कांवड़िए आए हैं। गंगा जल लेके कांवड़ चले गए। आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन था। अब आज हमारा कर्मचारी बाहर से आए हैं, चिराचार कर्मचारी, जिसमें BAC सिविल पुलिस, BRP होमगार्ड, आम पुलिस और केंद्र से बल जैसे IDPP, SSP, RAM, इन सब लोगों के लिए उत्साह हुआ और प्रोत्साहन के लिए यहाँ बड़ा का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में सभी को जो कांवड़ मेला के सकुशल संबंध सभी अधिकारी DM, SSP, सभी अधिकारी, सब मध्यधारी, सो सभी सिविल अधिकारी सबको धन्यवाद। सब केंद्र सरकार से लेके सब जो संपन्न हो गया और ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार हम आगे काम करेंगे।